हेलो फ्रेंड्स, कुक विद पीहू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मार्केट जैसा हलवाई स्टाइल खस्ता समोसा रेसिपी। अगर आपके समोसे खस्ता नहीं बनते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़रूरी टिप्स बताऊंगी जिससे आपके समोसे कभी नहीं बिगड़ेंगे और वो भी हलवाई जैसे खस्ता बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करना, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक वाटी मैदा लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा अजवाइन हाथ से क्रश करते हुए। अब इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल, क्योंकि एक वाटी मैदा तो 4 टेबल स्पून ऑयल इसका मेज़रमेंट सही है। आप ऑयल के बदले घी भी ले सकते हो, इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और इसे हमें हाथ से क्रश करके मिक्स करना है। अगर ये इस तरह से इकट्ठा होता है तो इसका मेज़रमेंट सही है। सबसे पहली टिप्स, तो हमें इसका सख्त डो बना लेना है। इसका डो आटे जैसा या फिर नॉर्मल रोटी जैसा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हमें सख्त डो बना लेना है। ये देखिए, आधा कप पानी बचा हुआ है और इसका सख्त डो बनके तैयार है। तो ये बहुत ज़रूरी टिप्स है, समोसे के लिए हमें सख्त डो ही चाहिए। अब बनाएंगे स्टफिंग। तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। इसे मैश नहीं करना है, इसे हाथ से क्रश करना है। सेकेंड टिप्स, जब हम स्टफिंग बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा तेल ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर जीरा और हींग ऐड किया है, थोड़ा सा अदरक क्रश किया हुआ। तो यहाँ पर अदरक लहसुन पेस्ट ऐड नहीं करना है, सिर्फ अदरक, कटी हुई मिर्च और कड़ी पत्ता, इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा सोप ऐड करना है। अब करेंगे मसाले ऐड, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। चाहे तो आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो, तो थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे मटर, तो आप कोई भी मटर ऐड कर सकते हो, ग्रीन मटर या फिर बॉइल्ड मटर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, इसे भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मेरी एक मिस्टेक हो गई है फ्रेंड्स, कि यहाँ पर मैंने प्याज थोड़ा लेट ऐड किया है। अब ऐड करेंगे उबला हुआ आलू, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। सेकेंड टिप्स हमारी यही है कि जब भी हम स्टफिंग बनाएंगे, स्टफिंग हमारी बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी ड्राई होनी चाहिए ताकि हमारे समोसे खस्ता बने। अब ऐड करेंगे धनिया, इसे कम से कम 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए अच्छे से ड्राई बना लेना है, हमें ड्राई स्टफिंग चाहिए। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग रेडी है। अब हम इसे ठंडा करने निकाल लेंगे। तो अब हम हाथों की सहायता से डो को थोड़ा मैश कर लेंगे और थोड़ा सॉफ्ट बना लेंगे। और इसके मैंने इस तरह सी लोइयां बनाकर रखी हुई हैं। आप अपने चॉइस के अनुसार समोसे का साइज़ ले सकते हो, छोटा, बड़ा, मीडियम, जो भी आप लेना चाहो। तो सबसे पहले एक लोई को बेल लेंगे। जब भी हम लोई बेलेंगे तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, और इसे थोड़ा लंबा सा ही बेलना है, जैसे हम भटूरे बेलते हैं। ये देखिए इसकी थिकनेस। तो अब हमें इसे बीच में से कट करना है और एक लोई की एक रोटी के 2 पार्ट बना लेना है। तो इस तरह से हम सभी लोइयों के रोटी बनाकर उसके टुकड़े बनाकर रख देंगे। तो सेकेंड टिप्स हमारी यही है कि हमारा आटा अच्छे से सेट होना चाहिए, और जो लोई है वो आप मीडियम साइज़ की ले, और रोटी बेलने के बाद उसे 2 टुकड़ों में कट करके रेस्ट करने छोड़ दें, ताकि वो थोड़ा एयर में, नॉर्मल टेम्परेचर में अच्छे से रेस्ट हो जाए। इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा मोटी या फिर बहुत ज़्यादा पतली नहीं होना चाहिए। तो अब हमारी सभी रोटियाँ रेडी हैं, इसे बीच में से कट कर लेंगे और साइड में रख देंगे। तो अब हम बना लेंगे समोसे। तो हमारे यहाँ पर स्टफिंग भी अच्छी तरह से नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडी हो चुकी है और सभी रोटियाँ बन के रेडी हैं। तो सबसे पहले एक रोटी को हाथों में इस तरह से लेंगे और ऊपर के साइड को थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। इस तरह से हाथ को ऊपर लेके दोनों साइड को पैक कर लेंगे और इस तरह से दबाते हुए इसका कोन बना लेना है। मैं वापस बता देती हूँ, इस तरह से पैक करते हुए
जब आप बनाओगे ना तो आपको अच्छे से अंदाजा आ जाएगा। तो इस तरह से कोन बनाकर हाथों के बीच में रखना है और अब भरना है स्टफिंग। तो स्टफिंग हमें बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, ये तीसरी टिप्स है, नहीं तो हमारा समोसा अच्छे तरह से नहीं फ्राई होगा या तो वो फट जाएगा। इस तरह से पानी लगा लेना है, ये सामने का पोर्शन और पीछे के पोर्शन हमें इसमें प्लेट डालना है, सामने के पोर्शन को चिपका देना है और इस तरह से बंद कर लेना है। अब हाथों में लेके इस तरह से प्रेस करते हुए इसे अच्छे से बंद करना है ताकि समोसा टूटे ना। ये हो गया हमारा समोसा रेडी। वापस मैं फिर से एक समोसा आपको बना के दिखा देती हूँ। समोसा पैक करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो निकल जाएगा। तो तेल में समोसा अपना वो जो स्टफिंग है छोड़ देगा, तेल भी ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से बंद कर लेना है। इस तरह से पानी लगाते हुए पीछे के साइड में एक प्लेट डालना है, सामने के पोर्शन को इसको चिपका देना है और दोनों तरीके से दोनों साइड से हमें पैक करना है और हाथ से दबा देना है। तो आप अपने चॉइस के अनुसार छोटे बड़े समोसे जैसे भी बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। इस तरह से ले के इसे बंद कर देना है। इससे हमारे समोसे जो है वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे और खस्ता भी बनेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी समोसे नियर अबाउट बन के तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह से बंद कर लेना है। जब हम समोसे बनाकर रखेंगे तो उनके ऊपर एक थोड़ा सा कपड़ा या फिर पेपर ढक करके आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे कम से कम आधा घंटा छोड़ देना है, डायरेक्ट फ्राई नहीं करना है। अब करेंगे फ्राई। तो यहाँ पर तेल चेक कर रही हूँ, तेल नॉर्मल गरम है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं चाहिए। तो ये चौथी टिप है, यहाँ पर हमें तेल बहुत ज़्यादा लेना है ताकि समोसा अच्छे से डिप जाए। और जब तेल गरम हो जाए तो वो तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं लेना है, बिल्कुल हल्का सा गरम होना चाहिए। अगर हम बहुत गरम तेल में समोसे फ्राई करेंगे ना तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बबल्स आएंगे। तो ये रेसिपी ना मैंने बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ, उसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के समोसे के ऊपर बबल्स आते हैं, या तो समोसा टूट जाता है या तो शेप बराबर नहीं बनता। तो इसीलिए मैं बीच बीच में कुछ टिप्स बता रही हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, तभी आपके समोसे हलवाई जैसे खस्ता बनेंगे। इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर आप जल्दी में हो और हम जल्दी जल्दी फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर तो आपके समोसे बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे, या तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बबल्स आएंगे। अब देख रहे हो फ्रेंड्स, हमारे समोसे धीरे धीरे फ्राई हो रहे हैं, हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए। अब देख सकते हो इसका कलर हल्का सा गोल्डन कलर है, यही कलर हमें चाहिए। तो हमारे समोसे यहाँ पर रेडी हैं, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इनके ऊपर बिल्कुल भी बबल्स नहीं हैं। मैं इसके क्रिस्पीनेस भी सुना देती हूँ, अब इसे तोड़ करके भी दिखा देती हूँ। ये दिखे अंदर की स्टफिंग, बहुत ही बढ़िया समोसा, बिल्कुल खस्ता दिख रहा है, जैसे मार्केट में मिलता है ना हलवाई लोगों के पास, सेम वैसा ही। तो आप भी इसे डेफिनेटली ट्राई करें और आपके एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। थैंक।